बीजेपी की बात करें तो उनका भी यही रहा, मोदी जी जरूर एक आइडिया के साथ आए थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, बट वो अच्छे दिन हमें दिखाई नहीं दिए। उन्होंने पहले इलेक्शन से पहले काले धन लाने की बहुत बातें की, लेकिन उस पर भी वो नहीं कर पाए। तो एक जो हमारी नेशनल कैपिटल है वहां पे जरूरत है, अगर चेंज वहां से आएगा तो ही हमारे पूरे देश में चेंज आ पाएगा। राजस्थान के श्री गंगानगर से विधायक कामिनी जिंदल भी दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी के समर्थन में आ गई है। कामिनी जिंदल ने शुक्रवार को दिल्ली के अखबारों में विज्ञापन देकर आम आदमी को जिताने की अपील की है। करप्शन को लेकर आप पार्टी चली है, शुरू से चली है, और राजस्थान में हमारी जमींदारा पार्टी जो नई पार्टी है, हम भी इन्हीं मुद्दों को लेकर चले हैं। तो आइडियोलॉजिकली हमें लगता है कि वी हैव अ सिमिलैरिटी, वी कैन कनेक्ट टू देम, इसीलिए हम उनके समर्थन में आगे आए हैं। जब साल 2013 में राजस्थान विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो जमींदारा पार्टी बनाने वाली कामिनी जिंदल का नाम सुर्खियों में था। राजस्थान चुनाव के दौरान कामिनी और उनकी मां विमला ने अपनी पूरी दौलत करीब 3,000 करोड़ बताई थी। चुनावी हलफनामे के मुताबिक कामिनी और उनकी मां की संपत्ति राजस्थान विधानसभा चुनाव में उतरे बीजेपी और कांग्रेस के 400 उम्मीदवारों की साझा संपत्ति से भी ज्यादा थी। मां ने अपनी दौलत 2,762 करोड़ बताई, जिसमें 1,558 करोड़ उनके पति के हैं और बेटी कामिनी के पास 157 करोड़ की दौलत है।